फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पीपल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द्विघात समीकरण के बारे में। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टू ब्रैकेट x माइनस थ्री। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। और पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात दो होती है उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि जब हम सवाल को हल करेंगे और उसका आंसर हमें द्विघात के रूप में प्राप्त होगा तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हम पहले इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस टू एक्स और बराबर किस बार हमारा दिया हुआ है। इस जब हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा और ये माइनस का छः हो जाएगा। तो हम आगे हल करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब ये बराबर के इस पार है, अगर हम इसको इस पार लाए कराएंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा टू एक्स, और वो उस तरफ माइनस का है यानी इस तरफ आएगा तो प्लस का छः हो जाएगा। हमारा इतना बचेगा और हम करते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए, हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो और ये एक प्लस का है और ये, यानी हमारा कितना होगा प्लस सात बराबर जीरो। तो देखिए, हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हमें द्विघात के रूप में। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं हाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर दिया हुआ है माइनस टू और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है थ्री माइनस एक्स। तो अभी हम लोग इसको हल करते हैं और बताते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम इसको हल कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और अब हम इस माइनस टू का गुणा इसमें कराते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस के छः हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का टू एक्स हो जाएगा। तो अभी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का टू एक्स और ये प्लस का टू एक्स बराबर के इस पार है। अगर हम इसको इस पार बराबर के लेकर आते हैं तो हमारा हो जाएगा ये माइनस का टू एक्स और ये माइनस का छः। इसको इस पार लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का छः। अब हमारा बराबर में बचेगा जीरो। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दो दो चार हो जाएगा, वो भी माइनस का चार एक्स हो जाएगा और ये प्लस छः हो जाएगा बराबर जीरो। अब हमें देखते हैं कि ये हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ ये हमें द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ है। यानी कि हमारा समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है, इसलिए देते हैं हम लोग हाँ। यानी कि ये हमारा जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो अभी हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमारा पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स माइनस टू और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स प्लस वन। यानी कि ये हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो हम इसको गुणा कराते हैं। तो हमारा पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स, फिर दोबारा में हो जाएगा ये माइनस टू एक्स और फिर हो जाएगा माइनस के टू और बराबर किस पार हम गुणा कराते हैं। हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स और ये हम फिर इसमें गुणा कराते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के थ्री। अब हम देखते हैं हमारा ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ये एक्स और ये माइनस दो एक्स विपरीत चिन्ह है, यानी कि हमारा बचेगा माइनस का एक्स बचेगा और बचेगा माइनस के दो और इस तरफ भी विपरीत चिन्ह है, यानी इस तरफ हमारा कितना बचेगा दो एक्स बचेगा क्योंकि थ्री एक्स में से ये एक्स निकल जाएगा तो टू एक्स बचेगा टू एक्स और ये माइनस के थ्री है, माइनस के थ्री लिख लिया। अब देखिए, ये माइनस का एक्स है और ये प्लस के टू एक्स है। जब हम इसको बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के टू एक्स और ये था माइनस के टू और ये था माइनस के थ्री। अगर हम बराबर को इसके इस पार लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के थ्री। अब हमारा बराबर के उस पार जीरो बचेगा। तो अभी देखते हैं हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के थ्री एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का वन बचेगा क्योंकि थ्री में से टू निकल जाएगा तो इतने बचेगा। अब हमारा बराबर हो जाएगा जीरो। अब हम देखते हैं जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ ये हमें द्विघात के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है, तो इससे हमें सिद्ध होता है कि हमारा जो आंसर है ये द्विघात समीकरण नहीं है। हम लिख सकते हैं नहीं, यानी हमारा ये जो समीकरण था, सवाल था, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा पहला ब्रैकेट है और दूसरा, यानी कि गुणे में, तो हम पहले गुणा कराते हैं। तो हमारा पहले कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा प्लस का एक्स और फिर हमारा हो जाएगा ये माइनस के छः एक्स हो जाएगा और फिर ये माइनस का तीन हो जाएगा बराबर किस पार भी हमारा गुणा, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और ये हो जाएगा प्लस के 5x। तो हम पहले स्क्वायर वाले पद को एक तरफ लिखते हैं और फिर अगले वाले पद को भी क्रम से लिखते हैं, तो हमारा यह हो जाएगा 2x स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर बराबर के इस पार है वो भी प्लस में, तो हम इसको इस पार लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा ये माइनस के एक्स स्क्वायर। अभी ये हमारा प्लस में तो इसको हम लिखते हैं प्लस एक्स, और ये हमारा है माइनस के 6x, इसको माइनस के 6x लिखते हैं। ये हमारा है प्लस का 5x, तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 5x, और ये है माइनस के 3, इसको माइनस के 3 लिखते हैं। अब हमारा बराबर के उस पार 0 बचा है, तभी देखते हैं हमारा 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा यानी बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 6 5 11x हो जाएगा माइनस के, और उसमें एक प्लस का x जोड़ेंगे यानी हमारा कितना बचेगा माइनस के 10x बचेगा, और ये माइनस के 3 बचेगा, बराबर के उस पार 0। अब देखते हैं हमारा जो समीकरण है ये द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ, यानी हमारा आंसर जो है द्विघात के रूप में प्राप्त हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो सवाल था वो द्विघात समीकरण है, तो लिख दें हाँ हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा पांचवा सवाल है, तो हम इसको भी हल करते हैं और बताते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम सबसे पहले हल कर देते हैं इसका गुणा, यानी हम गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के 6x हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस के x, फिर हो जाएगा प्लस के 3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। हमारा बराबर किस पार भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 5x, और हो जाएगा माइनस के 5। तो हम लिख देंगे इसको 2x स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस के 6x और माइनस का x हमारा हो जाएगा माइनस के 7x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी देखते हैं माइनस का x और प्लस का 5x हमारा कितना हो जाएगा, हमारा बचेगा प्लस का 4x और ये माइनस के 5। अभी देखें इसको कर लेते हैं 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बराबर के उस पार है, इसको हम इस पार लाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा है माइनस 7x, और ये था 4x, इसको हम लिखेंगे माइनस के 4x, ये है प्लस के 3, इसको प्लस के 3, और ये माइनस 5 था इस तरफ आएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। अभी उस पार 0 बचेगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 11x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 8 बराबर 0। तो अब देखते हैं हमें जो आंसर प्राप्त हो ये हमें द्विघात के रूप में है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण था वो द्विघात समीकरण है, तो हम इसमें लिख देंगे हाँ, यानी हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ तो हम इसको हल कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा इस पद में कोई कुछ नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, और यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम इसको खोल लेते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4, और ये हो जाएगा माइनस के 4x। अभी देखते हैं ये एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3x, और ये माइनस का 4x यानी कि प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1, और ये प्लस का 4 यानी कि माइनस का 4 बराबर के उस पर 0। तो अभी देखते हैं हमारा कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। तो अब देखते हैं हमें जो आंसर प्राप्त हो ये द्विघात के रूप में नहीं है, क्योंकि द्विघात के लिए यहाँ पर इसके x की घात 2 होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर x की घात 2 नहीं है, तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, सबसे पहले हम होल क्यूब खोलना भी जान लेते हैं, तो हमारा जो होता है वो मानक रूप में हम मानते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और ब्रैकेट में होता है एक्स प्लस वाई। तो अभी हम उसी के मानक रूप में इसको भी हल कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब होगा, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, और फिर प्लस के हो जाएगा 3 × 6x, और ब्रैकेट में x प्लस 2, और इस तरफ हम लिखेंगे इसका गुणा कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, और ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो अभी हम इसको हल करते हैं, हमारा हो जाएगा x³ प्लस 8, और ये हो जाएगा प्लस के 6x², और फिर हो जाएगा 6 × 12x, और इस तरफ हमारा होगा 2x³ माइनस के 2x। तो हम हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा x³, और इसको हम इस तरफ लाते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस के 2x³, फिर ये होगा प्लस के 6x²,
फिर इसको हम लिखते हैं ये माइनस के 2x इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये हमारा प्लस के है तो इसको प्लस में लिखते हैं 12x, और ये हमारा है प्लस का 8, इसको प्लस के 8 लिखते हैं। तभी देखते हैं हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पर बचेगा प्लस के 6x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 14x और प्लस के 8 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हमारा सबसे पहले शुरुआत में माइनस, यानी हम सबके चिन्ह विपरीत कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर इतना था तो हम इसको कर देंगे एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस का था तो हम लिख देते हैं एक्स 6 की एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस 14x था तो इसको लिख सकते हैं माइनस 14x, यहाँ पर प्लस 8 था तो हम लिख सकते हैं माइनस 8 बराबर 0। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें एक्स की घात 2 तो है, परंतु उसके साथ भी एक्स की घात 3 है, यानी कि ये हमारा समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो परिभाषा मालूम थी वो मालूम थी कि वह समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है, और यहाँ पर घात दी हुई है एक्स की 3, तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है उसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा नहीं, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है।